ऐसी बात कौन सी चीज है जो अगर पति ले ले तो पत्नी परेशान हो जाती है? पत्नी परेशान हो जाती है? सुनो तो ही ना, अगर पत्नी ले ले तो पति परेशान हो जाता। अरे तब तो बुरी समस्या। अरे तुम क्यों बताओ, हम बताए तो नहीं भैया बताओ जो बताइयो। ईमानदारी, ईमानदारी से पहले कोई बोले ना, गलत तो हम बोलते ना करो, हम गलत हम गलत तो हाँ, ना पूछा हाँ, हम गलत नहीं बोलते हाँ, सही बताओ। ये थी बात आपसे पूछी है कि बच्ची है कौन सी? दोनों आदमी परेशान होते हैं। पत्नी ले ले तो कनो पति परेशान, तो पति ले ले तो पत्नी परेशान, दोनों आदमी परेशान है। तो बहुत है दिमाग लगाऊंगा, दिमाग लगाने का प्रश्न है, एकदम थोड़ी आई है, देर में लगे जाओ आराम। उदय भी नाम आया पहले उदय भैया बता देंगे, बाकी बाद फिर दूसरा बता पाओ फिर तुम्हें चाहता तो ना बता दिए, बता दिया तो हमें बता दिए, अगर कोई ना बताया तो बताओ तो तुम बताओ ना बता दिए। सोच कहाँ ले जाए, अपने अपनी बातें करते तो कहाँ सोच लेंगे, हमें बताओ। दिमाग लगा दे भैया उदय भैया के लिए, चलो मैं बोले हटा लेना तुम, मैं घटा दे घर आ जाए तो लोग का पाई जाओ गबड़ा ही है तो बताओ घर है घरवाली ना है गबड़ा तो जाते तो का बड़ा जे आगी महाराज। अच्छा घर वाली घटा ना है? अरे बहुत परेशान हुई है। अरे और तो अब का दे तो परेशान है यार उत्तर में, अब परेशान है यार उत्तर में नहीं है तो का तो पति ले सकती पर पति ले ले तो पत्नी परेशान हो जाती, अब बहुत परेशान है तो कैसे बेहतर। लेकिन बात चाहे अब तुम्हें बताऊं मैं हाँ? उत्तर हाँ? अगर पति जो है दारू पी के आवे हाँ? घर में हाँ? अब पत्नी को जैसे कोई बात के पीछे मान लग रहे या तो न लग रहे तो पत्नी परेशान हुई है। सही है। अगर जैसे औरत जो है हमसे गंद संत बोले रोटी ना बूझे पानी ना बूझे तो पति परेशान हुई है। ताली मारो पहले। नहीं आंसर बेशक दूसरा है, लेकिन भैया का जवाब सटीक है। देखो दिमाग लगाया इन्होंने, इसको कहते हैं दिमाग, क्योंकि दिमाग लगाना जरूरी होता है बच्चों, ये जरूरी होता है, ये हकीकत बात बोलिए। लेकिन वास्तव में बात हम थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि बा परेशानी जब तुम लेट जाता हो परेशानी परेशानी ज्यादा हो ज्यादा। अगर जैसे हम खुशी से घर में आए और बेबैठी रूटा में बेका का लौड़ा को दिलाते हैं दही या लौड़िया के दिलाते दही आदमी के दही गाड़ी या घर बन के दही दरिया चोदो अभाव इतने खाना कहाँ घूमते रोज रात पी के परेशानी है। परेशानी है पैसा का चाव ना पी के हम किसी से गंत ना बोला भैया अपने जीवन को पति एक कट सत्य अनुभव बता रहे हैं गुरु जी झूठ ना बोलते जरूर ले थोड़ी बहुत जब घर में टेंशन होते। औरत घर की लक्ष्मी होती देवी लक्ष्मी होती। देखो अगर तुम तो बराबर मगर गुरु जी मेरी बात सुनो पहले जब औरत लक्ष्मी होते तो आदमियों देवता मान होते जब औरत लक्ष्मी होते है तो आदमी देवता होते। बात तुम्हारी कतई सत्य है। उदयवीर भैया से हमारा जीत बाबू फिलहाल जब हम घर में आते हैं बाहर से पैदा करके आओ तब बाली बच्चे न कहो कोई जैसे फल ले आए या कोई चीज ले आए आराम से खाओ पियो मौज लो। हम जब 100 रुपया खाए सकते हैं तो तुम्हें हम 100 रुपया मगर उसे में तुम हम तुम्हें 100 रुपया खबाऊते हैं तो उसे में तुम हमसे कलेश करो गंत संत बोलो तो बामे आदमी क्या खाए पाएत खाए पा पूछेंगे। अच्छा जाको अब उत्तर को बताई सही बार हो जिसे पता हो बहुत स्पष्ट बता दे। हमारो प्रसन्न हो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका अगर पति ले ले तो पत्नी परेशान और पत्नी ले ले तो पति परेशान। सुरजीत भैया बताइए दे खराडे घर्राडे जो घर्राडे नाम को सोते हुए ले तो उसको भाई नींद से हराम हो ना भैया
तुम चाहो हमारे मुंह पर ढोल बजाइयो घर्राटे ना तुम ढोल बजाइयो घर्राटे करियो करना कोई नहीं आप ज्यादातर लोगों ने बहुत ना लोगों ने बहुत बिना बतावा एलर्जी बहुत पत्नी ना पड़ोसी परेशान हुई गुरु जी चलो घर्राटे में परेशान होते। अब एक आदमी गांव में दारू पी के बीच गांव में गाली थे तो पूरा गांव परेशान। ये बताएं अगली ये कॉमन सेंस का एक प्रश्न होता है पति पत्नी को जोड़कर इसलिए देखते हैं कि आप कुछ गंदा सोचो इसलिए ये प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि आप कुछ के माइंड में आपका देखो गंदा सोचेगा या अच्छा सोचेगा। और 99% जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो 99% लोग गंदा सोचते हैं तुरंत माइंड में डर्टी डर्टी माइंड होता है तुरंत। अच्छा